नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। आ गया है यारों का यार होस्ट राहुल भोज बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ऐसी बात है जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी प्रैक्टिस में नहीं लानी है। सलमान खान साहब के फैंस और उनका एंथुसियाज्म हमें पता है, एंड हम उसे सैल्यूट करते हैं, उस फैंडम को सैल्यूट करते हैं, उस प्यार को, उस लव को सैल्यूट करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं जो कि भाईजान सलमान खान की तरफ वो दर्शाते हैं। बट दोस्तों, जब आप थिएटर में चलते शो के बीच में पटाखे जला दें और थिएटर में पूरी आग लगने की सिचुएशन आ जाए तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है मालेगांव में, महाराष्ट्र में। चलिए आपको पूरा मुद्दा बताता हूं। टाइगर 3 12 तारीख दिवाली वाले दिन रिलीज हुई। दिवाली के दिन सिर्फ एक ही वजह नहीं है पटाखे फोड़ने की, बल्कि कई वजह थी, जिनमें से एक बड़ी वजह है भाईजान सलमान खान और उनकी तरफ दर्शकों का प्यार। अब यही दर्शक जो कि उनको इतना ज्यादा प्यार देते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पटाखे जला दिए थिएटर में। दोस्तों जी हाँ, सलमान साहब की एंट्री है फिल्म रिलीज से, फिल्म के शुरुआत में ही जो है सलमान साहब की एंट्री है, जहां पे वो अफगानिस्तान के दूर दराज के इलाके में एक पर्टिकुलर रॉ एजेंट को बचाने के लिए जाते हैं। तो यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि उस एजेंट को बचाने वाले सीन में टाइगर की एंट्री दिखाई गई है, और उसी एंट्री की अगर बात करें दोस्तों, तो उसी एंट्री में ये सबसे बड़ी बात दिखाई गई है, जहां पे फैंस, ये प्रॉपर वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जहां पे सलमान साहब के फैंस, सलमानियंस जिन्हें कहते हैं, वो मालेगांव के एक थिएटर में, वो थिएटर पूरा गेटी गैलेक्सी जैसा थिएटर है, वहां पे प्रॉपर उन्होंने स्टेज पे आग लगा दी दोस्तों, पटाखे जला दिए चारों तरफ, पटाखे ही पटाखे। सोचो जो आगे, मतलब वो बैल्कनी होता है, बैल्कनी से किसी ने शूट किया तो नीचे का जो फ्लोर, नीचे का जो होता है, वहां पे पूरे पटाखे ही पटाखे जल रहे हैं, और फैंस जो है वो पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि भाई वो एक वो वाला पटाखा नहीं है कि एक बार जला और फुट हो गया, ये प्रॉपर लड़ी टाइप्स का था जो जलने में ही है। अच्छा, वो रॉकेट वॉकेट नहीं जला दी यहाँ पे, पता नहीं कौन लोग हैं, वो कैसे लोग हैं, कैसे असामाजिक तत्व हैं जो कि इस तरीके से मूवी का मजा किरकिरा कर रहे हैं, इस तरीके की बात हुई है दोस्तों। और ये प्रॉपर वीडियो के साथ मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने थंबनेल की इमेज देखी होगी, मैं जस्ट बिकॉज कॉपीराइट इशू वो नहीं चला सकता वीडियो, बट वो हुआ है। तो भाई ये किस तरीके का आलम है, सबसे पहले तो इस चीज को कंट्रोल करो यार, ये थिएटर में आग लगाना, ये वो पटाखे जलाना, और सबसे पहले तो थिएटर का जो ओनर है उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आपकी सिक्योरिटी लुल थी, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी डम होने की वजह से ही वो पटाखे लेकर अंदर जा पाए हैं, तो ऐसा क्या हिसाब किताब है, आपको क्या है कहना दोस्तों इस बारे में बताइए। बिकॉज मुझे पता चला, मैं तो आई रिस्पेक्ट द फैंडम, आई रिस्पेक्ट द एंथुसियाज्म, बट दैट डजंट मीन कि इस तरीके से वो चीजें करें। कमेंट सेक्शन में जाएं, इस बारे में जरूर बताएं। चलता हूं, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।